तो आज के इस वीडियो में पवन सिंह का एक नाजायज पुत्र के बारे में बात करने वाले हैं मेरे भाई। जी हाँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पवन सिंह के नाजायज पुत्र। ऐसे आप लोगों को तो पता ही होगा कि पवन सिंह का कोई अभी तक पुत्र नहीं है, लेकिन एक नाजायज पुत्र है जिसका एक ऐसा कारनामा किया है, उसको देखने के बाद आप लोगों का भी खून खौल जाएगा मेरे भाई, ऐसा कुछ वो किया है। तो क्या है पूरी जानकारी सबूत के साथ आपका भाई बताएगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल से नहीं जुड़े होंगे सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विशाल, स्वागत है हमारे चैनल विशाल भोजप्रिया जहान में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बता दें कि पवन सिंह का एक नाजायज पुत्र बेशर्मी का सारा हद पार कर दिया है मेरे भाई। वो खेसारी लाल यादव को लेकर कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कि ये साफ साफ पता चलता है कि वो पक्का ना पक्का पवन सिंह का नाजायज पुत्र होगा। क्योंकि आप लोगों को बता दें कि एक अच्छे खासे इंसान का, जो कि अभी समाज के सेवा में लगे हुए हैं, बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, लगातार वो अपने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उस इंसान को ये फूल का माला पहनाकर एक ऐसा वीडियो बनाता है और लिखता है क्या, आप लोग खुद यहाँ पर स्क्रीन पर उसका वीडियो देख सकते हैं। खेसारी लाल यादव का फोटो लगाता है, उस पर माला चढ़ाता है और लिखता है कि कल रात 12:30 बजे पे हार्ट अटैक आया और हमारे खेसारी भैया शहीद हो गए, ऐसा लिखता है और ये रील बनाता है। तो वैसे तो बहुत सारे पवन सिंह के ऐसे नाजायज औलाद हैं जो कि ऐसे ऐसे कारनामे करते रहते हैं मेरे भाई, लेकिन मुझे गुस्सा इसलिए ज्यादा आया कि इसके वीडियो पर 2-4 हजार से व्यूज ज्यादा कभी नहीं जा रहा था, लेकिन ये जैसे ही अपने खेसारी चचा पर रील बनाता है और ऐसे अफवाह फैलाता है, वैसे ही इसका वीडियो वायरल हो जाता है और इसके वीडियो पर 1.2 मिलियन व्यूज जाता है मेरे भाई, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे अफवाह को ये वायरल कर रहा है जिसके वजह से ये वीडियो मेरे पास आया, मुझे देखने के बाद काफी गुस्सा आया, इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाया। वैसे इसका आईडी का नाम अगर आप लोगों को बताया जाए तो पवन भक्त पंडित है। वैसे तो पंडित लोग तो ऐसे काम नहीं करते हैं, क्योंकि पंडित लोगों को ज्ञानी कहा जाता है, बुद्धिमान होते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे काम करते हैं, पूजा पाठ धर्म पर विश्वास रखते हैं, ऐसे घटिया तरीका का काम तो नहीं कर सकते हैं पंडित लोग। लेकिन ये जो भी है वो पवन सिंह का नाजायज औलाद ही है, जो कि पंडित जी लोगों का भी नाम खराब कर रहा है, अपने नाम के पीछे पंडित लगाया है। वैसे ही ये आईडी में लिखा है कि पवन भक्त पंडित। वैसे तो पवन सिंह का भक्त तो तुम नहीं लग रहे हो, लेकिन पवन सिंह का नाजायज औलाद लिखता तो बहुत ही अच्छा तुम्हारे नाम के साथ सूट करता कि तुम पवन सिंह का नाजायज औलाद हो, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या राय है, इसी चीज को जानने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया मेरे भाई। खैर, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ऐसे लोगों के लिए आपके मन में कौन सा भी शुभ विचार आ रहा है कमेंट में लिख दीजिएगा, या तो इसका वीडियो कभी आप लोगों को मिले या आप लोग इंस्टाग्राम पर जाके सर्च करके देखिएगा तो जाके इसके कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा मेरे भाई। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलता हूं फिर अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद।